शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार रात 9:30 बजे। दर्द एक इशारा है कि हम जिंदा हैं, परेशानी एक इशारा है कि हम मजबूत हैं। बेशक जिंदगी इसी का नाम है। अगर जिंदगी में परेशानियां ना हो, दुख ना हो, तो आप सोचिए जरा जिंदगी का मजा ही क्या होगा, और जिंदगी के लुत्फ का हमें अंदाजा कैसे हो सकता है। इसीलिए जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, और इसी उतार चढ़ाव के साथ अगर हम कुछ अच्छा और बेहतर करने के बारे में सोचते हैं, तो यही होता है गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यानी इसी जज्बे के साथ हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया में। आज फिर मेरा आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, आए दिन हम देखते रहते हैं कि सड़क पर हादसा रोनुमा होते हैं, उन्हें रोकने के लिए इंतजामिया भरसक कोशिश भी करती है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है और आए दिन हम सड़क पर कोई ना कोई हादसा देखते रहते हैं। इंतजामिया तो अपना काम कर ही रही है, अगर कुछ आम लोग भी आगे आ जाएं इस काम के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि हादसात में कमी आ सकती है। चलिए आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से करवा रहे हैं जो गाड़ी के पीछे रेडियम लगाने की लोगों को सलाह दे रहे हैं, और न सिर्फ सलाह दे रहे हैं, लोगों को बेदार कर रहे हैं, बल्कि गाड़ियों पर रेडियम खुद भी लगा रहे हैं। यानी ये लोग ये चाहते हैं कि सड़क पर हादसात में कमी आ जाए, हादसात बल्कि बिल्कुल ही ना हो। वाकई कितना अच्छा है कि अगर ऐसा हो जाए, हर एक आदमी बेदार हो जाए, ताकि सड़क पर हादसात को रोका जा सके। तो किस तरह से ये लोग कर रहे हैं काम, आइए देखते हैं। जिला वाशिम के कारंजा के सर्वधर्म मित्र मंडल के रजाकारों से मिलिए, जो सड़क हादसात को रोकने और हादसे के मुतासरीन की मदद के लिए गुज़िश्ता कई सालों से कंट्रोल रूम कारंजा से वन सेकेंड वन कॉल सेव लाइफ मुहिम चला रहे हैं। और इस इकदाम के तहत सर्वधर्म मित्र मंडल के दोस्तों ने गाड़ियों में रेडियम लगाने का इख्तराई इकदाम उठाया है, और वो हर गाड़ी के मालिक से अपील कर रहे हैं कि वो हादसात से बचने के लिए अपनी गाड़ी के पीछे रेडियम लगाएं। कुछ एक्सीडेंट ऐसे हो रहे हैं कि जो एक आधे वाहन के पीछे लाइट न दिखने की वजह से एक वाहन उसको भिड़ जाता है, फिर इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमने एक मुहिम चलाई जो रेडियम लगाओ मुहिम। हाँ, हम चलते फिरते, हमारी संस्था के स्वयंसेवक, हम वाशिम जिला जो महाराष्ट्र में आता है उसके कारंजलाड़ ब्लॉक में, जहाँ पर भी हमें एक आधा वाहन दिखता है जिसके पीछे से कहाँ रेडियम नहीं है, लाइट नहीं है, तो उसको हम रेडियम लगाते हैं। हाँ, वन सेकंड वन कॉल न्यू लाइफ अभियान, इसी धरती पे हम पिछले 16 सालों से रोड सेफ्टी में काम कर रहे हैं। चूँकि ये बुआई का मौसम है और बुआई मशीनों के साथ बहुत सारे ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं, रात के वक्त जरई आलात के साथ सड़क पर खड़ी इन गाड़ियों की वजह से कई हादसात रोनुमा होते हैं। लेकिन अगर गाड़ियों के पीछे रेडियम लगा दिया जाए, तो रात को बंद गाड़ी भी पीछे से आने वाली गाड़ी के मालिक को नजर आ जाएगी। यही वजह है कि सर्वधर्म मित्र मंडल ने न सिर्फ शहर की सड़कों बल्कि बराह रास्त जरई पुश्तों पर भी गाड़ियों पर रेडियम लगा दिया है, ताकि रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी फैलाई जा सके और हादसात को रोका जा सके। बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के लिए वाहनों को पीछे से रेडियम लगाने का काम शुरू है। ये काम निश्चित तरह से कौतुकास्पद है, और ये जो काम कर रहे हैं, ये काम की वजह से आने वाले समय में एक्सीडेंट का प्रमाण निश्चित रूप से कम हो जाए। सेव स्टॉप स्टॉप एक्सीडेंट इस मुहिम का तस्वीर है, और गुज़िश्ता चंद दिनों में जिले में 250 से ज़ायद गाड़ियों में रेडियम बैंड्स लगाए गए हैं। इलाके के लोग भी इस इकदाम से काफी खुश हैं। गाड़ियों के मालिकान ने एतमाद का इजहार किया है कि इस जिद्दत के साथ बढ़ते हुए हादसात पर काबू पाया जा सके। गांव में घूमते समय जो भी वाहन दिखता है उसको रोक के उसके पीछे से रेडियम लगा देते हैं, और उनका ये रेडियम लगाने का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से क्या होता है कि किसी वाहन के पीछे की लाइट बंद हो जाते हैं, इसकी वजह से उसके पीछे से आने वाला जो वाहन है डायरेक्ट उसको भिड़ जाता है, और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो यही एक्सीडेंट रोकने के लिए जो सास कंट्रोल रूम के शाम सवाई है, इन्होंने बहुत ही अच्छा उपक्रम शुरू किया है जिसका नाम रेडियम लगाओ।
सर्वधर्म मित्र मंडल के रजाकार इस अख्तराई पहल के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर छोटी छोटी कोशिशें की जाएं, तो बहुत से बेवक्त हादसात को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, खिदमत खल्क का जज्बा हो, इंसानियत का जज्बा हो, तो फिर कहना ही क्या। और इसी जज्बे के साथ अगर हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, तो फिर बात बन ही जाती है। जी हाँ, अब आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं एक ऐसे बस ड्राइवर से, एक ऐसी बस से जो रोज़ाना सुबह 7 बजे चलती है। और ख़ास बात यह है कि पहले हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार किया जाता है हर एक मुसाफिर को, और उसमें बैठने के बाद सारे ही लोग इसी जज्बे से सरशार होकर अपने सफ़र का आगाज करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना मज़ा आता होगा इस सफ़र में। जब लोग चढ़ते हैं तो एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, लेकिन जब बस से उतरते हैं तो सारे ही लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानने लग जाते हैं, यानी रिश्ते भी कायम करती है ये बस। तो किस तरह से इस बस की शुरुआत की गई, कहाँ चलती है ये बस और कौन लोग इसको चला रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि अगर हर कार्य में सेवा का भाव पिरोया जाए तो काम हमारी यादों और दिल में बस जाता है। ये है धार्मिक आस्था, देशभक्ति और परिवार भावना के साथ नाडियाड से सारंगपुर जा रही एसटी बस, जहां श्रद्धा और समरसता के साथ सेवा का भी समन्वय देखने को मिलता है। स्टेशन से स्टेशन का अनाउंसमेंट होता है। अगर कोई बुजुर्ग हो तो वापसी से पहले उनके घर के लोगों को कंडक्टर फोन करके समय स्थान सूचित करते हैं। जब तक उनके घर का कोई नहीं आए, उनको अकेला नहीं छोड़ते। इतनी सारी सुविधा के साथ ही सीजन के हिसाब से शरबत, नींबू पानी, उकाला वितरण और उसके साथ कभी अल्पाहार भी दिया जाता है, वो भी जन भागीदारी से। पिछले 7 सालों से सुबह 7 बजे निकलती इस बस में मुसाफिर चढ़ते समय एक दूसरे से अनजान होते हैं, लेकिन उतरते वक्त इतने गहरे बंधन से बंध जाते हैं कि गले मिलकर जल्दी वापस मिलने की कामना करते हैं। ये बस राष्ट्रगान के बाद ही अपनी सवारी पर निकलती है और पूरे सफर में हंसते खेलते भक्ति के रंग में डूबकर सभी यात्री अपनी सवारी करते हैं। इन भावनाओं का मुख्य आधार है बस के ड्राइवर और बस के कंडक्टर संदीप भाई बारोट। त्रिवेणी त्रिपुट संगम यानी सुभ 7 बजे निकले, तब राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्रगान होता है, उसके बाद ईश्वर का जयकारा, उसके बाद आरती और प्रसाद वितरण बस में ही होता है। बस में पूरा दिन भक्तिमय वातावरण बना रहे, इसी के लिए भजन कीर्तन धुन चलाई जाती है, जिससे सबको लगे कि हम बस में नहीं बल्कि प्रभु के रथ में बैठे हैं। बस में चढ़ते उतरते लोगों की सेवा में अपने खर्चे से उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करना, साथ ही साथ सबको सद्भावना के साथ रखना इस बस की खासियत है। लोग इस बस की सवारी में घंटों इंतजार करना भी पसंद करते हैं। जब बस में बैठे तब मैंने सबको पूछा, घर की याद आई क्या? सबने एक ही बात कही, पता ही नहीं चला यात्रा कैसे पूरी हो गई। सही में इस बस का पारिवारिक वातावरण बहुत ही बढ़िया है। उसमें भी संदीप भाई का व्यवहार तो इतना अच्छा है कि सबके साथ बोलना, हंसते रहना, पूछना, सबको ख्याल रखना, ऐसा लगता है कि बार बार इस बस में जाते रहे। पूरे एसटी निगम के लिए गौरव की बात। जितने भी बस कंडक्टर ड्राइवर हैं, अगर वो सब ऐसी पहल करें तो सही में एसटी निगम का गौरव बढ़े और इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इतना अच्छा लगता है कि हर बार इस बस में सागरपुर जाते हैं और लोगों को भी ले जाते हैं। स्वच्छ, सलामत और समय अनुसार, इस स्लोगन को तो ये बस चरित्रार्थ करती ही है, लेकिन साथ में मानवता की ज्योत भी ऐसे जलाती है के सही मायनों में धर्म यात्रा का हेतु सिद्ध होते हुए नजर आता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नाडियाड से कल्पेश तलादी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान।
देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे, खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। और अब मिलते हैं मानव उपकार संस्था से। नाम से ही जाहिर है कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए ये संस्था काम कर रही है। खास बात इसकी ये है कि ये लावारिस लाशों को दफनाने का काम भी करती है। इतना ही नहीं, जिसका कोई अपना बहुत दूर रहता है, दूसरे देश रहता है, उस लाश के लिए ये लोग फ्रीजर का भी इंतजाम करते हैं। यानी पूरी तरह से सोचते हैं कि मरने के बाद भी किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वाकई ये एक अच्छी सोच है। इसके अलावा ये लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं, तालीम के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आज के दौर में कोई इतना सोच रहा है तो वाकई वो मानवता की, इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है। तो चलिए इसी संस्था के कारकुनान से आपकी मुलाकात कराते हैं। लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात अदा करने वाले ये लोग किसी फरिश्ते से कम नहीं, जिनका कोई नहीं, उनके लिए काम करती है एनजीओ मानव उपकार संस्था। ये सभी लोग अलीगढ़ से वाबस्ता हैं और इंसानी अख्तियार के लिए काम कर रहे हैं। इस तंजीम के लोगों ने अब तक 6,000 लावारिस लाशों की तदफीन की है। जो शख्स इंतकाल कर जाता है, अगर उसके लवाहिकीन बहुत दूर हो तो उनके लिए फ्रीजर भी मुहैया करा देते हैं, ताकि वो जाने वाले की आखिरी झलक देख सके। वर्ष 1999 से मानव का संस्था का गठन किया गया, जिसका कि मकसद था कि लोगों की मदद करना, और जिसके सिद्धांत के तहत समाज सेवा कर्म हमारा, मानव सेवा धर्म हमारा, तथा जीवन के साथ ही मृत्यु के बाद भी, क्योंकि तमाम ऐसे पहलू होते हैं कि जो इंसान की ज़रूरत के काम आते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ लोगों के पास बेशक समय नहीं है, लेकिन मानव का संस्था उन लोगों की मदद कर रही है जो कि जिनको की आवश्यकता पड़ती है। जिस श्रृंखला में हम लोगों ने जहाँ उन कठिन सेवा कार्यों को अपनाया जिनको आम लोग करने से भी मुंह मोड़ते हैं। जो मानव उपकार संस्था है, इसमें करीब 1,000 से ज़्यादा मानव सेवक सदस्य जुड़े हुए हैं, और विगत 25 वर्षों से संस्था अनवरत प्रतिदिन सेवा कार्यों में जुटी रहती है। और मुख्य बात यह है कि संस्था का जो मेन कार्य है, जो नियमित रूप से चलता है, हालांकि ये बड़ा एक विषम परिस्थिति है कि संस्था ही इस तरह के कार्य को करती आ रही है। अब तक लगभग 6,000 लावारिस समूह का, उनके धर्मानुसार मानवकार संस्था हमारी जो है उनका अंतिम संस्कार कर चुकी है। खिदमत खल्क के जज्बे के साथ ये रजाकार बगैर किसी खुदगर्जी के रोजाना खिदमत के कामों में मसरूफ रहते हैं। ये लोग साथ में जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं, चाहे वो तालिबात की तालीम का इंतजाम हो या फिर बेवा खवातीन की रोजी रोटी का कोई काम हो। इसके साथ साथ तंजीम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अन्नपूर्णा थाली भी चलाई जा रही है, ताकि कोई भी शख्स भूखा न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुहिम है एक पेड़ माँ के नाम। यानी अगर वाकई हम एक पेड़ लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, तो ज़िंदगी भर उससे फ़ायदा हो सकता है, समाज को इससे फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो माहौल के लिए काम कर रहे हैं। माहौल दोस्त हैं ये बच्चे। अपने असातिज़ा के साथ मिलकर रोज़ाना पौधे लगाते हैं, और तकरीबन 250 से ज़्यादा पौधे ये बच्चे अब तक लगा चुके हैं, और तो और इन्होंने एक जंगल तक तैयार कर लिया है।
आप सोच सकते हैं कि ये बच्चे एक कितना काम करते हैं और किस तरह से ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये है कमाल की बात। इतना ही नहीं, उन पौधों की देखभाल भी करते हैं और उनके नाम भी रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन मासूम बच्चों से। छत्तीसगढ़ के बालू जिले के डली राजहारा में रहने वाले माहौल दोस्तों से मिलिए। ये सभी स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने माहौलियात के तहफ़ का बेड़ा उठाया है। इनके साथ माहौल से मोहब्बत करने वाले वीरेंद्र सिंह डली राजहारा के रिहायशी हैं, जिन्होंने तकरीबन 20 साल कबल बंजर जमीन पर 250 पौधे लगाए थे जो आज जंगल में तब्दील हो चुके हैं। ये तलबा न सिर्फ पौधे लगा रहे हैं बल्कि उनकी देखभाल भी करते हैं, इर्द गिर्द के लोगों को माहौलियाती तहफ्फुज के बारे में आगाह भी करते हैं। दरख्त लगाने के बाद इन तमाम दरख्तों के नाम भी रखे जाते हैं। इस नेक काम में इलाके के नौजवानों और ख्वातीन ने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया है। दरख्त लगाने के लिए आए रोज नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। इन नौजवानों को जंगलाती इलाकों में जाकर गुलेल की मदद से पौधों के बीच छिड़कते हुए देखा जा सकता है। इसके लिए वो देही इलाकों में जाते हैं और गांव वालों से फलदार पौधों के बीज इकट्ठे करते हैं और फिर वो जंगल के इलाके में जाकर खाली जगहों पर गुलेल से स्प्रे करते हैं। दर हकीकत दरख्तों की कटाई की वजह से इस इलाके के जंगलात का सफाया हो रहा था, जिसके तहफ्फुज़ में ये कदम उठाया गया। ये हमारा लेबर एरिया है। आज से 25 साल पहले बहुत आसपास हरे भरे पेड़ पौधे थे, लोग काटते थे। उस समय गैस सिलेंडर गैस नहीं उपयोग ना के बराबर होता था, तो मन में ख्याल आया चलो मुझे पौधा लगाना चाहिए, हरियाली लाना चाहिए। तभी मैं शुरुआत कर दिया इस बंजर भूमि पे। कम से कम 250 पौधा रोपित किया था और ये पौधा करंज के हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर इसमें रोपित किया था और उनका नाम दिया था शिवांश, प्रकृति, पुन्नू, चेतन, बिट्टू, बहुत सारे नाम मिलेंगे। 250 नाम है इन पौधे को, बहुत खुशी मिलता है। इस इलाके के नौजवानों की बात माने तो हर साल वो खाली जमीन तलाश करते हैं और दरख्त लगाने का काम करते हैं ताकि आने वाली नस्ल को बढ़ते हुए दर्जा हरारत के खतरे से बचाया जा सके। प्रकृति के संरक्षण के लिए हम सभी मिलकर, जो हमारा ग्रुप है वो सब मिलकर वीरेंद्र भैया के साथ, हम लोग जहाँ हम कुछ खाली जगह मिले हम हर साल पौधारोपण करते हैं। और अभी एक धोबेदंड बिटाल मार्ग पर नया रोड बना है, उस रोड पर एक भी वृक्ष नहीं है, वहाँ पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। लगभग अभी 13 पौधे हमारे जीवित हैं, पीपल और बरगद के हमने लगाया है। वहाँ विभिन्न गांवों में जाकर के वृक्षारोपण, जड़रोपण आदि का कार्य करते हैं और इसके तहत गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है और तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इस कारण से वृक्ष लगाना चाहिए हमें, चाहे वो माँ के नाम पे हो, पिता के नाम पे हो, किसी के नाम पे वृक्ष लगाना चाहिए। हम लोगों को प्रेरित करते हैं और इसी के साथ हम बहुत सारे जो लोग मिले हमारे साथ उनके वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए किया जा रहा ये काम यकीनन दूसरों के लिए भी एक मिसाली कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अच्छी और खूबसूरत कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बस हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे, खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो।
देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। मुथुकट गोपीनाथ, ये एक ऐसा नाम है जिसे हम सब जानते हैं। वाकई ये नाम किसी तारुफ का मोहताज है ही नहीं। ये एक हिंदुस्तानी जादूगर हैं और अपने जादू से सबको अपनी तरफ राकिब भी करते हैं। लेकिन खास बात इनकी ये है कि ये लोगों के अंदर बेदारी भी फैलाते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, समाजी इंसाफ के लिए काम करते हैं, बच्चों की तालीम पर काम करते हैं, जो ख्वातीन बेसहारा है उनको ये रोज़गार देते हैं, उनको बेदार करते हैं, यानी चाहते हैं कि सबकी ज़िंदगियों में खुशहाली आए और पूरा समाज इनको अपने सामने खुशहाल नज़र आए। और वाकई ये एक अच्छी सोच है। अगर इसी सोच के साथ हर एक इंसान आगे बढ़ता है तो आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज कितना बेहतर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसी जादूगर की कहानी। गोपीनाथ मुथुकट एक मशहूर हिंदुस्तानी जादूगर हैं, जो जादू, कहानी सुनाने और समाजी तबसरे के इम्तिजाज के साथ अपनी दिलकश परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने मुनफरिद जादू से दुनिया भर के सामईन को महसूस किया, जिसमें अक्सर हिंदुस्तानी सकाफत और कदीम कहानियां शामिल हैं। मुथुकट ने तकरीबन 45 साल तक जादू के मैदान में मौजूदे दिखाए और इसके लिए उन्हें 2011 में जादू के शोबे में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मर्लिन अवार्ड मिला। मर्लिन अवार्ड उन जादूगरों को दिया जाता है जिन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने फन में आला तरीन मेयारात हासिल किए हों। वोटिंग मेम्बरान जिन मेयारात पर गौर करते हैं वो टैलेंट, शोमैनशिप, असलियत, महारत और सबसे बढ़कर किसी में तफरी करने की नादिर सलाहियतें हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक फनकार के तौर पर अपने काम के अलावा मुथुकट ने अपनी जिंदगी अपने जादू के जरिए अमन, इंसानी हकूक और समाजी इंसाफ के फरोग के लिए वक्फ कर रखी है। इन्होंने अपने फन का इस्तेमाल चाइल्ड लेबर, घरेलू तशद्दुद और माहौलियाती इन्हिताब जैसे मसाइल के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए किया और भारत इससे बाहर की पसमानदा कम्युनिटीज के लिए आवाज उठाई है। इन्हें 2020 में हुकूमत केरला के जरिए बच्चों के लिए दोस्ताना केरला प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर करार दिया गया था। इन्होंने अपने इर्द गिर्द माजूर अफराद को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दरपेश चैलेंजों और उनके खानदानों को उनकी मदद के लिए जिन जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है बहुत करीब से देखा है। उसने इन पर गहरा असर डाला और वो मुआशरे पर मुस्बत असर डालने के लिए जादूगर के तौर पर अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके उनकी वकालत के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उन्होंने माजूर तबके की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ आर्ट सेंटर शुरू किए। Under the banner of different art center, हम मानते हैं कि दिव्यांगजन की क्षमता को सामने लाने की जरूरत है, तो वहीं समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने की भी जरूरत है। हमारे डिफरेंट आर्ट सेंटर दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए एक मंच है। हमारी कोशिश दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने की है, जिनमें अलग अलग क्षमताएं हैं। यहाँ बच्चों को संगीत, नृत्य, पेंटिंग और विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। गोपीनाथ ने केरला सोशल सिक्योरिटी मिशन, हुकूमत केरला के मुश्तरका ताबुन से DAC की बुनियाद रखी ताकि माजूर बच्चों की फनकाराना सलाहियतों को तलाश किया जा सके और साथ में माजूर कम्युनिटी की हमागीर तरक्की को फरोग दिया जा सके। एक बेहतर मुआशरे की तामीर के लिए एक फनकार के तौर पर गोपीनाथ मुथुकट की ये कोशिशें वाकई काबिल सताइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने हमारे आसपास किस कदर खूबसूरत कहानियां होती हैं और हर एक कहानी हमसे कुछ ना कुछ कहती है, यानी हमसे कहती है कि हमें अच्छा और नेक काम ज़रूर करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर हम किसी के लिए अच्छा और बेहतर करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ज़िंदगी हम सब की कितनी खूबसूरत हो सकती है। और एक बात और जाने से पहले जो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। ये भी एक बेहद खूबसूरत बात है। इसी के साथ हमें यही इजाजत दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।
मौसम की महक और शाम का आराम, हर घूंट में है इसकी ताजगी, ऑर्थोडॉक्स चाय है इसका नाम। महाराष्ट्र की शान और है पहचान, सुंदरता और सौंदर्य की प्रतीक पैठणी साड़ी है इसका नाम। जीआई टैग से कैसे मिल रही है इन्हें एक खास पहचान, इस कहानी को देखिए अमन वर्मा के साथ हर शनिवार सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे। अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए खोज प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।